बिहार में अपराधियों की बहार है क्योंकि भैया नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार जी का वर्किंग जो स्टाइल रह गया है, भले ही चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन एक ही जात के और एक ही जिला तक वो सिमट करके रह गए। चाहे बालिका गृह मामला हो, सृजन घोटाला हो, जो गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, उनकी सुरक्षा बिहार पुलिस करने का काम कर दी। आश्चर्य की बात है कि न्याय के लिए इतना लड़ना पड़ता है, नाक रगड़ना पड़ता है इस कुशासन और राक्षस राज में। होली के दिन मधुबनी में खून की होली खेली गई, नरसंहार हुआ, जहां कई लोगों की हत्या कर दी गई। हमने पहले भी कहा था कि बिहार पुलिस जो है वो जेडीयू पुलिस बनकर के रह गई है। बिहार की गलियां, चौराहे, सड़कें, डेली वहां बिहार में सैकड़ों हत्याएं और अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। चाहे नरसंहार का मामला हो, चाहे जहरीली शराब से मारे जा रहे लोग हों, चाहे हत्याएं हो, प्रतिदिन लोग जो हैं वो मर रहे हैं। और अब तक मुख्यमंत्री जी ने चाहे कोई भी घटना हुई हो, उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया या कॉन्डोलेंस में दो शब्द भी उन्होंने बयान नहीं किया। नारा हुआ करता था नीतीश कुमार जी का कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब ये स्थिति हो गई है क्योंकि बिहार में अपराधियों की बहार है क्योंकि भैया नीतीश कुमार है। लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं जिसको एक ही तरीके से, एक ही तरीका है इन्वेस्टिगेशन का कि मामला जब गर्म हो तो आप चुप बैठिए, कोई कार्रवाई मत कीजिए, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो एक काल्पनिक एक कथा बना करके, एक स्टोरी बना करके आपको पेश कर दिया जाएगा। आप देखिएगा नीतीश कुमार जी, उनकी पुलिस टीम, कल तो हम खुद मधुबनी हम गए, परिवार के लोगों से हमने मुलाकात की। आश्चर्य की बात है कि एक पुलिस अधिकारी तक, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो या आईजी हो, वो अब तक परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं की। चाहे डीएम साहब हो, अब नीतीश कुमार जी का वर्किंग जो स्टाइल रह गया है, भले ही चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन एक ही जात के और एक ही जिला तक वो सिमट करके रह गए। अब नीतीश कुमार जी से अगर पूछा जाए कि उन्हीं के जातीय और उन्हीं के जिला के कितने पुलिस महकमे में, चाहे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो या हेडक्वार्टर्स में कितने उन्हीं की जाति के लोग हैं, कोई कार्रवाई जो है मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। और हंसी की बात है कि मुख्यमंत्री जो हैं कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी पुलिस पर है। ये सब लोग जानते हैं कि पुलिस का काम जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का है, लेकिन नीतीश कुमार जी, आप गृह मंत्री हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं? अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? और इतनी दर्दनाक घटना हुई कल, तो हम लोगों का जिस प्रकार से नरसंहार किया गया, कई गोलियां मार करके, उसके बाद जो नेपाल का जो भुजाली जो होता है खुखड़ी, उससे जो है पेट काट के, अतरी निकाल के, गला काट के, रंग के
4 घंटे बाद जो है पुलिस आती है, बल्कि केवल 3 से या 4 किलोमीटर ही दूर वहां थाना है, जो मोहम्मदपुर गांव से बेनीपट्टी बेनीपट्टी में, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाती है। और आप देखिएगा कि अब तक उस परिवार को वहां सुरक्षा नहीं दी गई। और इस नरसंहार मामले में जब हमारी परिवार के लोगों से बात हुई, पीड़ित परिवार के लोगों से, तो उनका कहना यह है कि जो डीएसपी है, जिसके ऊपर अभी जांच करने की जिम्मेवारी है, जो प्रवीण झा रावण सेना संगठन जो चलाने का काम करता है, उससे काफी अच्छे ताल्लुकात है। कल हमने फोटो भी जो है, वहां जो लोग मीडिया के लोग गए थे, हमने वहां के अधिकारियों के साथ प्रवीण का फोटो भी हमने जारी किया। अब परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि उसको जो है नेपाल छोड़ा गया। अभी हमको तुरंत सूचना मिली कि अभी नेपाल से प्रवीण झा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो हमको अभी सूचना मिली है। अब होली से अब तक, कल हम गए हैं और आज गिरफ्तारी होती, यानी पुलिस जो है कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। एक बार मुजफ्फरपुर में शराब में गाड़ी से बच्चों को एक्सीडेंट में मार दिया गया था, एक बैठा बीजेपी के जो थे उनकी भी ऐसे ही की गई, भगा दिया गया। आप देखिएगा जो तरीका जो है काम करने का, चाहे गोपालगंज में जो हत्याकांड हो, वहां भी कौन लोग इन्वॉल्व थे, किनको बचाया गया। चंपारण में भी एक पार्षद की हत्या की गई थी, वहां किसके विधायक थे, क्या कार्रवाई हुई। कटिहार में हमारे जो नेता थे उनको 27 गोली मारा गया, शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां उसको गोली ना लगी। चाहे बालिका गृह मामला हो, सृजन घोटाला हो, बिहार पुलिस यानी जेडीयू पुलिस का एक ही तरीका है काम करने का। यहां बेसहारा बेचारे और जो हकदार हैं, पुलिस उनकी सुरक्षा नहीं करती। यहां सुरक्षा जो गुंडे हैं, क्रिमिनल हैं, उनकी सुरक्षा बिहार पुलिस करने का काम कर रही है। रुपेश हत्याकांड में क्या हुआ, आप सब लोगों ने आवाज को उठाया, क्या तरीका था। अभी भी अगर रुपेश जी के धर्मपत्नी से अगर मिलिएगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं है। असली काम जो है उनको न्याय दिलाना है। और बड़ा आश्चर्य की बात है कि न्याय के लिए इतना लड़ना पड़ता है, नाक रगड़ना पड़ता है इस कुशासन और राक्षस राज में। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।